खुशखबर खुशखबर खुशखबर, पटना आ गया साउथ ईस्ट एशिया में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग एक नई जगह पे आए जो हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं की थी। आई मीन मैं 10 साल से दुबई में हूँ, ये ऑलमोस्ट 6-7 साल से दुबई में, लेकिन इस मॉल में नहीं आए थे हम लोग। और ये मॉल कौन सा है, मैं भूल गया, दुबई मरीना मॉल। एंड द व्यू फ्रॉम द बालकनी ऑफ दिस मॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इनफैक्ट जस्ट आउटसाइड द फूड कोर्ट, इट्स लिट, इट्स अमेजिंग। इनफैक्ट मैं इस ब्लॉग की शुरुआत करना चाहता था एकदम सिनेमैटिक शॉट से, लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना हम लोग बाहर अगर आए हैं तो ब्लॉग की शुरुआत करें और फिर सिनेमैटिक शॉट दें, क्योंकि नहीं तो पता है आपको अभी ऑलमोस्ट हम लोग को 10-15 मिनट हो गए बाहर आके, लेकिन हम लोग पूरे पसीने से लथपथ है। सो प्लीज डोंट माइंड अगर हम लोग भीगे हुए नजर आ रहे हैं, बट नेवर माइंड, द व्यू इज जस्ट अमेजिंग। तो अब आ रही आती है कैमरा टर्न अराउंड करने की और आपको कुछ अप्रतिम, मतलब अफलातून, जबरदस्त, भारी, अमेजिंग, डोप, और क्या है, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं हमें। यस, ये व्यू देखने के बाद आप बाकी के शब्द नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में। सो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये पूरे रेस्टोरेंट से भरी पड़ी है। ये जो बालकनी का एरिया है ना, 1, 2, 3, 4, ऑल दीज लेवल्स आर नथिंग बट रेस्टोरेंट्स। और ये तो आपको पता है, स्काईस्क्रेपर्स। और यहाँ पे आने के लिए विंटर एक नंबर सीजन, क्योंकि यहाँ का जो नजारा है वो एकदम मस्त, एकदम हवा वगैरह वो लेना। और मेन चीज क्या पता है, फोटो, नाइट व्यू की फोटो तो अमेजिंग आते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ना वो लिटअप हो जाता है। इनफैक्ट अभी से शुरू हो गया है लिटअप होना, लेकिन ये भी ड्रॉप आप देख रहे हो ना। और यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इधर है, वहाँ पे है ट्रैक है साइकिलिंग का, लोग लेके आते हैं मस्त साइकिल। देख देख वो कर रहे, देख जो करीम साइकिल है, नई वाली ना, उसे हम लोग कर सकते हैं। So winter mein definitely wo patch pe you'll see us cycling around and we'll have loads of fun, but now it's time to go inside. So guys, do not proceed with this video without having hit that like option. Yeah. I'm sure you must have definitely liked this cinematic shots, isn't it? Agar like nahi kiya aapne na तो स्वागत गुस्सा हो जाएगी। हाँ, और इस एरिया का नाम गुस्सा नहीं हो जाएगी, एक्चुअली उसको बुरा लगेगा, क्योंकि ये जो सिनेमैटिक शॉट्स लिए ना वो पूरे स्वागता ने लिए। यस। और एडिटिंग भी उसका स्वागता ने किया है। सो उसके लिए लाइक छोड़ो, मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट उसके लाइक कर दो, उसके काम के लिए लाइक कर दो। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको ये सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे। एंड बाय द वे दिस एरिया, उसका नाम है दुबई मरीना, आप ट्राम से भी आ सकते हो। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, ऐसा नहीं कि कंपलसरी गाड़ी ही चाहिए आपके पास, आराम से आके मतलब चिल भी कर सकते हैं। यस, अभी चिल नहीं कर रहे हम लोग, अभी पी रहे हैं थोड़े से। तो उससे पहले हम ना थंबनेल लेते हैं, क्योंकि वही देखते हैं लोग क्लिक करते हैं ना हम लोग को, है कि नहीं। तो ये चीज क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन एकदम बीच का फील दिया है। और ये तो कॉफी शॉप्स वगैरह, आई मीन कॉफी रेस्टोरेंट्स। और देखो कैसे सर्कुलर, वो पूरा पैच पे हम लोग आराम से बॉक्स क्रिकेट खेल सकते हैं, ऑडियंस खड़े होकर उनको चीयर अप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ऐसे एकदम स्टेडियम जैसा फील आ रहा है। सो ये पूरा सर्कुलर स्टेडियम, करेक्ट, और बीच में अगर क्रिकेट मैच हो जाए, एटलीस्ट बैक्स बॉक्स मैच तो आराम से हो सकती है, आराम से। लेकिन जब भी तुझे ओपन ग्राउंड दिखता है तभी तू हमेशा क्रिकेट के बारे में क्यों सोचता है, कुछ अलग नहीं सोच सकता? बिकॉज़ आई लव क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, इज इन माय ब्लड, वी आर किधर है, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ये देखो पूरा दुबई उल्टा लटका है। अच्छा, बुर्ज खलीफा भी है। किधर है बुर्ज खलीफा, किधर है बुर्ज खलीफा? ये है बुर्ज खलीफा और ये है शेख जायद रोड। अरे शेख जायद रोड के ऊपर एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर है। हैप्पी? क्या हैप्पी, ये हमारा फर्स्ट मिले आज का डिनर, फर्स्ट डिनर ना। आज हम डिनर एकदम फेवरेट में करने वाले हैं। ये अगर पता है, आज मैं एक चीज मान गया, तुझे भी शॉपिंग कर रही थी ना, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट तो अंदर थी, लेकिन तब तक दो लड़की लोग ना इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर जा रहे थे, लेकिन उसने 25 मिनट तक कोई भी कपड़ा सिलेक्ट नहीं किया था। तो क्यों किया वो पता नहीं मुझे, क्यों किया ऐसे, लेकिन मैं एक चीज तो मान गया कि हर लड़की को, मतलब हर एक लड़की को लिटरली टाइम लगता ही लगता है शॉपिंग के। सो तेरी गलती नहीं है, तो तू कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। अब तक प्रॉब्लम क्या होता था पता है, कि मैं हमेशा इसके साथ शॉपिंग के लिए पीछे पीछे भागता था, तो मैं थोड़ा सा इंपेशेंट फील करता था। तो आज मैंने क्या किया, अच्छा खासा शॉप के बाहर एकदम पीसफुली खड़ा रहा और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या
बात है क्या वो लड़कियाँ दिखने में अच्छी थी, इसलिए तकलीफ नहीं हुई खड़ा रहने के लिए। ये स्वागत है तेरे नाक जैसा है, स्वागत है। और इसका नाक एकदम सेम है, अभी वो कवर्ड है इसलिए, लेकिन नहीं तो लेकिन इतना बड़ा नहीं है। देख साइड एंगल से, देख साइड एंगल से, ये देख तेरा और इसका नाक एकदम सेम। और ये रहे हमारे अभिषेक, जब ये घर में बैठते सोफे पे तभी ऐसे ही देखते फुल चिल मारते हुए, है ना अभिषेक? तुझे ऐसे ही बैठा है, हाँ तू ऐसे बैठ ना साइड में, तू इधर साइड में बैठ जा। गाइस ये नज़ारा बहुत दिनों बाद देखने मिला है हम लोग को। एक्चुअली दुबई मॉल के जस्ट बाहर है हम लोग, बुर्ज खलीफा के बहुत नज़दीक, और बुर्ज खलीफा के जो टॉप कम से कम 50 फ्लोर्स क्लाउड से पूरी तरीके से कवर्ड है। सो क्लाउड्स देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बारिश हो गई है, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी भी ऐसा लग रहा है, लेकिन बॉम्बे के जो सभी क्लाउड्स है वो बारिश उधर डाला है उन्होंने और क्लाउड्स इधर आ गया फट के। वो देखो अभी I think last 50 floor, more than 50 floors I think are covered by clouds. और अगर आपने हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी चेकआउट नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करना ANSVlogsSID से। बड़ी से स्वागत है, स्वागत है, कुछ प्रमोशन भी करना। या लाइक शेयर सब्सक्राइब। So right now we have got a perfect place to sit just next to, just in front of Burj Khalifa rather to take time lapse. So ये देखो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है अंडे है। ये क्या है, पनीर के अंडे है कि अंडे है? वो स्टोन है, आराम से बैठ सकते हैं अभी। So as you can see there is hardly anybody around, so there are ample spaces to sit and take time lapse. So that is what I'm going to do right now. I'm going to take a perfect time lapse of this Burj Khalifa with clouds, and you will see immediately after this slide. Wow, this is something amazing. क्या ये? क्या ये पर? क्या है पता नहीं, जो भी है बहुत अच्छा है। Now honestly speaking, this is consecutively third weekend I'm planning to have pad thai and I am not at all bored. What do you say, Swagata? What about you? I'm getting bored. But in my case, I have to eat only veggies. You have option, prawns, shrimp. लेकिन आज मैं भी vegetarian हूँ स्वागता, संकष्ट ही आज। देखो मेरा आज का fast है, अभी इतना time हो गया है, पौने 12 बज गए। Typical जो हमारे संकुचित चतुर्थी थे, हम लोग proper वरण भात चपाती भाजी जो मराठी लोग उनको पता है, लेकिन आज मैं अपना fast pad thai से छोड़ने वाली हूँ। एक काम कर, वही तू थाईलैंड जाऊँ, तुझे बहुत याद आ रही है ये thai। सच में मुझे thai food बहुत अच्छा लगता है। हाँ ना, उधर जाएंगे हम लोग, स्पेशली पैड थाई। पैड थाई खाएंगे, टॉमयम सूप पिएंगे, मैंगो स्टिकी राइस जो उनका फेवरेट। वाओ, आई लव मैंगो स्टिकी राइस। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना ऐसे जो अपनी जो फेवरेट जगह है ना साउथ ईस्ट एशिया के लिए से पटना नहीं फुकेत। और खुश खबर पटना आ गया साउथ ईस्ट एशिया में। कोई नहीं, आपका खाना देखो, जब लेडीज जाती है तभी वो एक्स्ट्रा मांग के आती है। थाई सॉस किधर है? ये सॉस है, हाँ ये सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस है, दो सिंग दाना और ये दो ब्लैक पेपर। लेकिन एक थाई सॉस काफी नहीं होगा, मैं हमेशा दो मांग के लाता हूँ। और दो मांग के चल, चैलेंज। सो ये मेरा पैड थाई, वेजिटेरियन पैड थाई, और ये है इसका वेजिटेरियन फ्राइड राइस। क्या बात है स्वागता, और दो लेके आई। मुझे कुछ शर्म नहीं है मांगने के लिए, जबरदस्त। उमा क्या स्वागत है, बाकी सब्जी में ये क्या है? वो ग्रीन चिली का है। ग्रीन चिली? ये तो प्योर ग्रीन चिली लग रहा है मेरे को। हाँ वो तो है, ये ग्रीन चिली का नहीं लग रहा है, ग्रीन चिली लग रहा है मेरे को, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो तेरे लिए लेके आया मैं खाने के लिए। चल मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, ये तू खा के दिखा एकदम रॉ विदाउट मिक्सिंग विद एनीथिंग एल्स। आर यू क्रेजी? और बोले बहुत तीखा है। तो वही चैलेंज है ना। चलो स्वागत है एकदम। नहीं ये बहुत तीखा है, और लिटरली वो ना ऑयल में डिप किया है, मैं नहीं खा सकती, आई एम सो सॉरी। जब मिर्च का ठेसा आता है तो नहीं खा ला साहब, हे ऑयल। तो चैलेंज हार गई, एक्सेप्ट कर। दिखा दिखा कितना ले रही है, इतना से तो मैं भी खा सकता हूँ इसमें। हाँ ये हुई ना बात, खा खा
बहुत तीखा है। So guys, we would like to end this video here, right now, because हम लोग को बहुत अभी भूख लगी है, so mall के अंदर quickly हम लोग जाएंगे और बहुत सारा खाना खा के घर पे जाएंगे। So I hope you have enjoyed this vlog. If you really did, please do not forget to hit the like option आपको पता है video के ठीक नीचे है, और please guys subscribe करना मत भूलना अगर आपने अब तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो NS Vlogs को। So with that said guys, stay blessed, stay happy and enjoy life. और इतने फटाफट क्यों एंड करो, तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है, चल जल्दी अंदर। पसीना भी और मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ। और दूसरी चीज, अगर क्या अगर अगर मगर तगर चलो अभी